वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चावल के क्रंची पकोड़े। देखिए मैंने चावल को भिगा के पीस रही हूँ बारीक, और मिक्सी में एकदम बारीक पीस लिए हैं मैंने, और पीसने के बाद एक पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है बाउल में। इसमें डालना है मुझे नमक स्वाद अनुसार। अब आप आलू उबाल लीजिए, चार आलू उबाल लीजिए। चार आलू उबालने के बाद में इसको डाल दीजिए मिक्सी के अंदर। मिक्सी में डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला ऑयल डाल दीजिए, जो भी आप खाते हैं। उसके बाद बना लीजिए ऐसा बारीक पेस्ट। आपको पीसना है बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने पीसा है। इसको भी एक बर्तन में निकाल लीजिए। इसमें डाल लीजिए मिर्ची पाउडर, और फिर डालिए धनिया बारीक कटा हुआ। फिर इसको अच्छे से मैश कर लीजिए, और चावल का पेस्ट और आलू का पेस्ट को मिक्स करके इसको अच्छे से एक पेस्ट बना के गरम गरम तेल में इसको ऐसे पकोड़े बनाइए जैसे मैंने पकोड़े बनाए हैं, और इसको फिर सर्व करिए हरे धनिया की चटनी के साथ। बहुत ही मजा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।